मामले में शामिल वांटेड नक्सली के पोस्टर जारी किए गए। एनआईए ने ये इनामी पोस्टर नक्सल प्रभावित गांवों में लगाए जा रहे हैं, जो नक्सलियों पर 7 लाख तक की इनाम घोषित थे। तो आपको बता दें, नक्सलियों पर 50,000 से लेकर के 7 लाख के इनाम इस पर घोषित किए गए थे। वांटेड नक्सलियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे, झीरम हमले में शामिल थे ये नक्सली। एनआईए ने ये जारी किए हैं इनामी पोस्टर। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अधिक जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? जी हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा जिले के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, छठे कल्याण, बापुर, अरनपुर, ऐसे इलाकों में पुलिस के जवान जगह जगह जाकर के गाँव में दीवारों में पोस्टर लगा रहे हैं। इन पोस्टरों में एनआईए उन वांटेड नक्सलियों के फोटो को जारी की है जो 2013 में 25 मई को झीरम हमले में शामिल थे। इनमें 50,000 से लेकर के 7 लाख तक की राशि लगाई गई है, जगह जगह पोस्टर लगाया गया। साथ में इसमें मोबाइल नंबर भी एनआईए ने जारी किया है और बकायदा उस पर लिखा गया है कि जो भी इन नक्सलियों को पकड़वाने में मदद करेगा उनकी गोपनीयता को बराबर रखा जाएगा और उन्हें ये इनाम की राशि दी जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ राज्य भी उन्हीं वांटेड नक्सलियों ने बड़ी राशि लगा के रखी है तो इस तरीके से मतलब जो जिस जैसे कि 7 लाख रुपए एक देवा नाम की नक्सली पर लगाया गया है तो उस पर पहले से 10 लाख की इनामी राशि राज्य सरकार ने लगाई गई है। तो अब उनकी जो इनामी राशि वो बढ़ गई है। झीरम हमला एक बड़ा हमला था, झीरम की सुकमा से कांग्रेस की आला कमान टीम जा रही थी, तब हमला किया गया था और कई बड़े नेताओं को नक्सलियों ने मार गिराया था। 5 साल के बाद एनआईए इस तरीके के पोस्टर लगा करके नक्सलियों को पकड़ने की कवायद बढ़ाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में